आज तक आपने स्वर्ग जाने वाले रास्ते के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसे नर्क का द्वार कहा जाता है? दरअसल रूस में एक ऐसी जगह है जहां से नर्क का द्वार शुरू होता है। वैज्ञानिक भी इस जगह को लेकर हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने खुद यहां से डरावनी आवाजें रिकॉर्ड की हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नर्क कही जाने वाली ये जगह कौन सी है और इसका क्या रहस्य है। बचपन में आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो नर्क। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी स्वर्ग और नर्क का जिक्र किया गया है। शायद आप में से भी कुछ लोग स्वर्ग और नर्क को नहीं मानते होंगे, लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसा पेश करेंगे कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में नर्क होता है। ये तो हुई मिथिकल बातें, अब हम साइंटिफिक फैक्ट्स पर बात करते हैं। धरती को करीब से जानने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा, क्यों ना जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा जाए ताकि पृथ्वी की लेयर्स की खोज की जा सके। इसके लिए उन्होंने रूस में एक गहरा गड्ढा खोदा, जिसे कोला सुपर डीप बोरहोल का नाम दिया गया। 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने इसके लिए खुदाई शुरू की। इसकी गहराई की बात करें तो 12,262 मीटर है। इसे हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी मरियाना ट्रेंच से भी गहरा है। कहा जाता है कि आज तक कोई भी इंसान इससे ज्यादा गहराई में नहीं जा सका है। 1970 के दौरान पूरी दुनिया के बीच अंतरिक्ष और धरती के एक्सप्लोरेशन को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही थी, लेकिन कम ही देश थे जो धरती की खोज को लेकर उत्सुक थे। इसी दौरान रूस ने अमेरिकी वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए कोला सुपर डीप बोरहोल की खुदाई का काम शुरू किया। इस गहरे गड्ढे की खुदाई का काम 1970 से लेकर 1989 तक चला। इसका मतलब ये है कि करीब 20 साल तक खुदाई करने के बाद 12 किलोमीटर गहरे गड्ढे को खोदा गया। कोला सुपर डीप बोरहोल एक मानव निर्मित गहरा गड्ढा है और एक अनुमान के मुताबिक ये इतना गहरा है कि इसमें 240 फीट के 167 कुतुब मीनार समा जाएं। ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि पृथ्वी किसी ठोस चट्टान से बनी है, लेकिन असल में ये चार लेयर्स में डिवाइड है, जिसमें क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर शामिल हैं। रूस के वैज्ञानिक इस विशाल गड्ढे की मदद से पृथ्वी की लेयर के बारे में जानकारी जुटाना चाहते थे। क्रस्ट लेयर, ये धरती की सबसे थिन और आउटर लेयर है जहां हम रहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है, जिसमें इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स शामिल हैं। क्रस्ट लेयर के केमिकल एलिमेंट्स की बात करें तो यहां ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, पोटेशियम 2.8%, सोडियम 2.6% और मैग्नीशियम 2.1% है। मेंटल, पृथ्वी की दूसरी लेयर को मेंटल के नाम से जाना जाता है। ये क्रस्ट की तुलना में 3000 किलोमीटर की गहराई पर सबसे ज्यादा मोटी लेयर है। ये सिलिकेट रॉक्स से बनी है, जिसमें मैग्नीशियम और लोहे की काफी ज्यादा मात्रा है। इसके एलिमेंट्स की बात करें तो 44.8% ऑक्सीजन, 21.5% सिलिकॉन और 22.8% मैग्नीशियम है। ये सारे तत्व सिलिकेट चट्टानों के रूप में एक साथ बंधे होते हैं और ऑक्साइड का रूप लेते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स क्रस्ट और आउटर मेंटल का एक कॉम्बिनेशन होती है, जिन्हें लिथोस्फेयर कहते हैं। ये प्लेट्स काफी धीमी गति से मूव करती हैं, यानी एक साल में लगभग 2 इंच। जमीन प्लेट्स में हलचल होती है और ये एक दूसरे से टकराती हैं, जिसके कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। आउटर कोर, पृथ्वी का आउटर कोर लोहे और निकल से बना है, जो काफी गर्म है और इसका तापमान 4400 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये इतना गर्म होता है कि लोहा और निकल जैसी धातुएं भी लिक्विड हो जाती हैं। आउटर कोर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार है। इनर कोर, पृथ्वी का इनर कोर 750 माइल्स थिक है, जो मुख्य रूप से लोहे से बना है। आउटर कोर के मुकाबले इनर कोर ज्यादा ठोस होता है। ये पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है। अब हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। जब रूस के वैज्ञानिकों ने इस विशाल गड्ढे के लिए खुदाई का काम शुरू किया तो उन्हें करीब 20 साल लग गए। तकरीबन 12 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करने के बाद 1992 में ड्रिलिंग के काम को रोक दिया गया।
इसके बाद 1995 में इस गड्ढे को बंद कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वैज्ञानिकों ने इतनी गहराई पर जाकर खुदाई क्यों रोक दी। बताया जाता है कि जैसे जैसे गड्ढे की गहराई बढ़ती गई, वैसे वैसे मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। जब वैज्ञानिक 12,262 मीटर की गहराई तक पहुंचे, तो मशीनें बंद पड़ गईं। उस वक्त जमीन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा मापा गया। इतना ही नहीं, तापमान तेजी से बढ़ने भी लगा था। इसे देख फौरन काम रोक दिया गया। इस खुदाई के लिए उरल मैश नामक भीमकाय ड्रिलिंग मशीन बनाई गई थी, जो किसी भी परिस्थिति में ड्रिल करने में सक्षम थी। मल्टी लेयर ड्रिलिंग सिस्टम वाली इस मशीन का टारगेट डेप्थ 15,000 मीटर यानी 49,000 फीट था। कई साल की कड़ी मेहनत के बाद जब रूसी वैज्ञानिक 262 मीटर की गहराई पर पहुंचे, तब मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। इस दौरान साइंटिस्ट्स ने इस होल का नाम डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाजा रख दिया। इसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी दोबारा खुदाई शुरू नहीं की गई। ये भी कहा जाता है कि पैसा ना होने की वजह से इस गड्ढे की खुदाई का काम रोकना पड़ा। इतना बड़ा गड्ढा बनाना कोई आसान काम नहीं था। इस गड्ढे को लेकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों को इस विशाल गड्ढे में क्या मिला। दरअसल इस दौरान वैज्ञानिकों को यहाँ खास तौर से तीन चीजें मिली। वो क्या थी, चलिए देखते हैं। गड्ढे की खुदाई के वक्त वैज्ञानिकों को काफी मात्रा में पानी मिला। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ मौजूद पत्थरों में काफी मात्रा में पानी मौजूद था। वैज्ञानिकों ने कल्पना भी नहीं की थी कि पृथ्वी की इतनी गहराई में पानी कुछ इस रूप में मिलेगा। ऐसा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वजह से था। ऐसा होने की ये भी एक वजह है कि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। इस गड्ढे की खुदाई करने पर सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आई वो ये थी कि यहाँ 6,700 मीटर की गहराई में कुछ सूक्ष्म जीव मिले। वैज्ञानिकों ने इतनी गहराई पर किसी जीवित जीव के जिंदा होने या रहने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है। यहाँ इतना ज्यादा तापमान होता है कि किसी जीव का जिंदा रहना मुश्किल है। लेकिन इस खोज के दौरान वैज्ञानिकों को अलग अलग तरह के माइक्रोब्स के बारे में पता चला। ये माइक्रोब्स ज्यादा तापमान में भी जिंदा मिले, जो पानी में नहीं रॉक्स में पाए गए। कहा जाता है कि ये करोड़ों साल पुराने हो सकते हैं। बताते हैं कि ये रॉक्स 2 अरब 80 करोड़ साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि इस गड्ढे की तली में उन्हें गैस मिलेंगी, लेकिन वो गलत साबित हुए, क्योंकि वहाँ हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कई तरह की गैसेस मिली। इन सब खोज के अलावा यहाँ और भी कई अजीबोगरीब चीजें मिली, जिनमें से वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ अजीब डरावनी आवाजों का आभास हुआ। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को बंद कर दिया। फर्स्ट रीजन, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर। वैज्ञानिकों ने गहरी खुदाई के वक्त काफी तेज तापमान महसूस किया। इस दौरान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो वैज्ञानिकों के अनुमान से काफी ज्यादा था। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो सोचिए भला कि 180 डिग्री सेल्सियस पर क्या हाल होगा। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया था कि यहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो गलत साबित हुए और टेम्परेचर उनके अनुमान से काफी ज्यादा निकला। गड्ढे की ज्यादा गहरी खुदाई इसलिए भी रोक दी गई क्योंकि इतने ज्यादा तापमान पर ड्रिलिंग करने में काफी परेशानी होने लगी थी। इसके अलावा यहाँ पत्थरों की डेंसिटी भी बढ़ने लगी थी। इसका मतलब है कि हर तरह से ड्रिलिंग करने में एक के बाद एक रुकावटें आती जा रही थी। आखिरकार इस गड्ढे की बाकी खुदाई को रोक दिया गया। अब तक कई देश पृथ्वी के नीचे की चट्टानों में खुदाई करने की कोशिश कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और रूस शामिल हैं। सेकेंड रीजन, इस गड्ढे को काफी मजबूती से ना सिर्फ बंद किया गया बल्कि इसे पूरी तरह से सील भी कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू ना कर सके। कुछ लोगों का कहना है कि वैज्ञानिकों को इसकी खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जो काफी चौंकाने वाला था। उन्हें यहाँ नर्क मिला। ऐसा कहने के पीछे ये वजह बताई जाती है क्योंकि यहाँ लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनी गईं। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। सोचने वाली बात है कि धरती के नीचे इतनी गहराई पर लोगों के चीखने की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है। कोई यहाँ भला कैसे जिंदा रह सकता है। रूस के एक वैज्ञानिक जब खुदाई के वक्त गड्ढे की तली में पहुंचे, तो उन्हें पृथ्वी की गहराई में डरावनी आवाजें सुनाई दी। ये इतनी खतरनाक थी कि सुनने भर से ही पसीने छूट जाएं।
इसलिए इसे साउंड ऑफ हेल नाम दिया गया। रूसी वैज्ञानिक ने इन भयानक आवाज की रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए माइक्रोफोन का यूज टेक्टोनिक प्लेट्स को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि वैज्ञानिक इन आवाजों को सुनकर बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने इसे सील कर दिया। उन्हें डर था कहीं वो गड्ढे को खोदने के दौरान नर्क के रास्ते न पहुंच जाएं। ये आवाज कुछ ऐसी थी जैसे इंसानों पर जुल्म अत्याचार ढाए जा रहे हों। आइए आपको भी सुनवाते हैं ये आवाजें कैसी थी। इस बात पर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि शायद ये आवाज टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल की भी हो सकती है। खैर असल बात क्या है ये आज भी रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या धरती के नीचे नर्क हो सकता है या फिर ये पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में होने वाली महज हलचल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।